اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم را تلك ايات الكتاب وقران مبين الف لام را هي और स्पष्ट कुरान की दूर नहीं कि एक समय वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज इस्लाम का निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है पछता पछता कर कहेंगे कि क्या अच्छा होता कि हम आज्ञाकारी हो गए होते अमल। छोड़ो इन्हें खाए पिए मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा मिन इल्ला किताब मालूम। हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया है उसके लिए कर्म की एक विशेष मोहलत लिखी जा चुकी थी कोई कौम न अपने निश्चित समय से पहले तबाह हो सकती है न उसके बाद छूट सकती है या ये लोग कहते हैं

हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते वे जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती नहीं रहा यह जिक्र तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके रक्षक हैं ए नबी हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी कौमों में रसूल भेज चुके हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसकी हंसी ना उड़ाई हो अपराधियों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह की भांति गुजारते हैं ला खलत वे इस पर ईमान नहीं लाया करते प्राचीन काल से इस आचार के लोगों की यही रीति चली आ रही है وَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون तब भी वे यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है यह हमारी कार्यकुशलता है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए उनको देखने वालों के लिए तारों से सुसज्जित किया और हर फिटकारे हुए शैतान से उनको सुरक्षित कर दिया कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता ये और बात है कि कुछ सुनगुन ले ले और जब वह सुनगुन लेने की कोशिश करता है तो एक प्रदीप्त अग्निशिखा उसका पीछा करती है हमने जमीन को फैलाया उसमें पहाड़ जमाए उसमें हर तरह की वनस्पति ठीक ठीक नपीतुली मात्रा के साथ उगाई और उसमें आजीविका के साधन जुटाए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत से सृष्टि के प्राणियों के लिए भी जिनके आहारदाता तुम नहीं हो इन इलाया खुजा कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हों, और जिस चीज को भी हम उतारते हैं एक निश्चित मात्रा में उतारते हैं फलदायक हवाओं को हम ही भेजते हैं फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सिंचित करते हैं इस दौलत के खजाने के अधिकारी तुम नहीं हो वा जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके उत्तराधिकारी होने वाले हैं पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में है यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा वो तत्वदर्शी भी है और सर्वज्ञ भी मिन मिन हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे फिर याद करो उस अवसर को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक इंसान पैदा कर रहा हूं नफखतु मिन रूही जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह यानी आत्मा से कुछ फूंक दूं, तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना सज अतएव सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया रब ने पूछा ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया उसने कहा मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस इंसान को सजदा करूं, जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है रब ने कहा अच्छा तो निकल जा यहाँ से क्योंकि तू फिटकारा हुआ यानी मरदूत है और अब बदले के दिन तक तुझ पर फिटकार है उसने कहा मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे कहा अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका समय हमें मालूम है और वो बोला मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में उनके लिए मनमोहकता पैदा करके उन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से खालिस कर लिया हो कहा ये मार्ग है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है इन बेशक जो मेरे वास्तविक बंदे हैं, उन पर तेरा बस न चलेगा तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरा अनुसरण करें। और उन सब के लिए जहन्नम की धमकी है ये जहन्नम, जिससे इबलीस के अनुयायियों को डराया गया है उसके सात दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा निश्चित कर दिया गया है फी इसके विपरीत डर रखने वाले लोग

उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी उसे हम निकाल देंगे वे आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे उन्हें न वहां किसी कष्ट से पाला पड़ेगा और न वे वहां से निकाले जाएंगे नबी आग़ी आग़ी ए नबी मेरे बंदों को सूचित कर दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और दयावान हूँ मगर इसके साथ मेरा अजाब भी बहुत ही दर्दनाक अजाब है और इन्हें तनिक इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ जब वे आए उसके यहाँ और कहा सलाम हो तुम पर तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं हम तुम्हें एक ज्ञानी लड़के की खुशखबरी देते हैं इब्राहिम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे संतान की खुशखबरी देते हो तनिक सोचो तो सही ये कैसी खुशखबरी तुम मुझे दे रहे हो उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं तुम निराश न हो इब्राहिम ने कहा अपने रब की दयालुता से निराश तो पथभ्रष्ट लोग ही हुआ करते हैं फिर इब्राहिम ने पूछा ए अल्लाह के भेजे हुए वो मुहिम क्या है जिस पर आप लोग पधारे हैं वे बोले हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं सिर्फ लूट के घर वाले इससे अलग हैं उन सबको हम बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के जिसके लिए अल्लाह कहता है कि हमने नियत कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में सम्मिलित रहेगी फिर जब ये दूत लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग संदेह कर रहे थे हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं अतः अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो तुम में से कोई पलट कर ना देखे बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः काल होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी इतने में नगर के लोग खुशी के मारे विकल होकर लूट के घर चढ़े आए लूत ने कहा भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो। अल्लाह से डरो मुझे अपमानित ना करो वे बोले क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठीकेदार न बनो लूत ने विवश होकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं तेरी जान की कसम ए नबी। उस समय उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वे आपे से बाहर हुए जाते थे आखिरकार पौप हटते ही उनको एक प्रचंड धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की वर्षा कर दी इन इस घटना में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं। और वो भूभाग जहाँ ये घटना घटित हुई थी सार्वजनिक मार्ग पर स्थित है इसमें शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं वा और आई का वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे बदला लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए क्षेत्र खुले रास्ते पर स्थित हैं। हिज्र के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं हमने अपनी आयतें उनके पास भेजी अपनी निशानियां उनको दिखाई मगर वे सबकी उपेक्षा ही करते रहे वे पहाड़ को काट छांट कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत थे आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई हमने जमीन और आसमानों को और उनमें मौजूद सब चीजों को सत्य के सिवा किसी अन्य आधार पर पैदा नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीन आने वाली है अतः ए नबी तुम इन लोगों की अशिष्टताओं पर शिष्टता क्षमा से काम लो। इन यकीनन तुम्हारा रब सबका सृष्टा है और सब कुछ जानता है हमने तुमको सात ऐसी आयतें दे रखी हैं। जो बार बार दोहराई जाने के योग्य हैं और तुम्हें महान कुरान प्रदान किया है ला तुम उस सांसारिक सामग्री की ओर आंख उठा कर न देखो जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी हैं। और न इनकी हालत पर अपना दिल कुढ़ाओ इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की ओर झुको और न मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूं ये उसी तरह की चेतावनी है जैसी हमने उन विच्छेद करने वालों की ओर भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है तो कसम है तेरे रब की हम जरूर उन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो अतः ए नबी जिस चीज का तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे हाथ पुकार कर कह दो और मुश्रिकों यानी बहुदेव वादियों की तनिक भी चिंता न करो मुस्त तुम्हारी ओर से हम उन हंसी उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं। जो के साथ किसी और को भी रब हैं। जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को बड़ी कुढ़ होती है इसका इलाज ये है कि अपने रब की हमद यानी स्तुति के साथ उसकी तस्बीह करो उसकी सेवा में सजदा करो और उस अंतिम घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो